सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम आज इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन ये सबको समझने में मदद करेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखा है सेम सेक्स मैरिज को लेकर। रविवार को केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया। सरकार ने कहा था कि ये परंपरा के मुताबिक नहीं है, ये पति पत्नी और उनसे पैदा हुए बच्चों के कॉन्सेप्ट से मेल नहीं खाता, इसे देश के नागरिकों की निजता का मुद्दा नहीं माना जा सकता। शादी के बाद झगड़ा होने पर पति पत्नी की पहचान कैसे होगी? केंद्र ने कहा कि शादी की परिभाषा ऑपोजिट सेक्स के दो लोगों का मिलन है, इसे विवादित प्रावधानों के जरिए खराब नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिल्ली समेत अलग अलग हाई कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का निर्णय किया था। कोर्ट ने 6 जनवरी को इस मुद्दे से जुड़ी सभी याचिकाएं अपने पास ट्रांसफर कर ली थी। चलते चलते आपको बताते जाते हैं कि किन देशों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, माल्टा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, ताइवान और ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।